नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। थंब देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो कितना कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फटे पुराने पर्स से भी आप मालामाल हो सकते हैं। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो चलिए जानते हैं दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जिसे वो अपने लिए लकी मानता है, और वो चीज कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपका पुराना पर्स भी। जी हाँ, ये भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है, मगर पुराने पर्स को आप केवल एक समय तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके खराब होने के बाद आपको उसे नए पर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। मगर यदि किसी पर्स से आपको विशेष लगाव है, या फिर किसी खास पर्स में पैसे रखने पर आपको कभी धन की कमी नहीं होती, तो जाहिर है उस पर्स से आपका विशेष लगाव हो जाता है। मगर जब पर्स बदलकर नए पर्स में सामान को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो आप अपने पुराने पर्स का क्या करते हैं? खासकर आपका जब पुराना पर्स हो जाता है, तो अक्सर आप उसे किसी को दे देते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन आपको पर्स ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही उसे फेंकना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आपको अपने पुराने पर्स से क्या करना है। अगर आपका पुराना पर्स फट गया है, तो उसे पहले खाली करें और सामान को नए पर्स में ट्रांसफर कर लें। बाद में पुराने पर्स को, यदि वो आपके लिए लकी रहा है, तो उसमें एक रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांध कर रखें। दरअसल ये एक बहुत ही खास वास्तु टिप है। ऐसे में वो ऊर्जा आपके पुराने पर्स में बनी रहेगी और उसका फायदा भी आपको मिलता रहेगा। पुराना पर्स यदि आपके लिए शुभ रहा है, तो उसे कभी खाली न रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके नए पर्स में भी सदा पैसे बने रहे, तो उसमें थोड़े से चावल डाल लेने चाहिए। बाद में आपको वही चावल अपने नए पर्स में ट्रांसफर कर लेने चाहिए। ऐसा करने से भी आपका नया पर्स भी उतना ही लकी साबित होगा जितना कि पुराना। अब चलिए जानते हैं कि इस पर्स को कहाँ रखें। अगर आप अपने पुराने पर्स को नहीं फेंकना चाहते और वो आपके लिए लकी है और आप उसे पास ही रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी के अंदर रखिए। पर्स को कभी खाली न रखें। आपको पर्स में पैसे, चावल, कपूर या फिर साधारण रुमाल ही रख लेना चाहिए। अब जानते हैं फटे पर्स का क्या करें। अगर आपको लगता है कि पर्स आपके लिए बहुत लकी है, मगर वो फट गया है, तो उस पर्स को आप केवल तभी अपने पास रख सकती हैं जब उसे पूरी तरह से रिपेयर करा लें। अगर पर्स फटा हुआ है और रिपेयर होने की स्थिति में नहीं है, तो यह आपके राहु को कमजोर करता है, जिससे आपको धन की हानि हो सकती है। इसलिए आपको उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और ज्योतिष और वास्तु से जुड़े ऐसे ही टिप्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।